हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड स्टडी बाय दानिश में। तो दोस्तों, आज हम लोग सेंटेंस का जो कुछ पार्ट बचा हुआ था उसको आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यूज़, यानी कि प्रयोग के हिसाब से सेंटेंस के पाँच भेद होते हैं। नंबर एक है अफर्मेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव या फिर एसर्टिव सेंटेंस। इसका रूल होता है दोस्तों, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, फिर वर्ब वन होता है या फिर वर्ब फाइव होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब वन या वर्ब फाइव होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो आई सब्जेक्ट हो गया, रीड वर्ब वन हो गया, बाकी ए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे है शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स हो गया वी फाइव, और अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज होगा, फिर नोट, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में वर्ब वन का यूज़ होगा। ठीक है, एग्जांपल में आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिखता हूँ। उसके बाद आ गया दोस्तों ही डज नॉट रीड अ नॉवेल, वह एक नॉवेल नहीं पढ़ता है। यहाँ पे आई हो जाता है सब्जेक्ट, डू या डज का यूज़ होगा, फिर नोट का यूज़ होगा, फिर वी वन का यूज़ होगा। इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब वन का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए रूल होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट का होगा, फिर वर्ब वन का होगा, फिर ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल देख लेते हैं। डू आई ईट अ ब्रेड, तो डू हो गया, डू या डज का पहले यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आई हो गया, सब्जेक्ट ईट हो गया, वर्ब वन, फिर अ ब्रेड हो गया, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो गया क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हो गया डज ही प्ले क्रिकेट, तो डज हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस ही हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब वन, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू या डज का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल होता है, डू ऑब्लिक डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसमें डू ऑब्लिक डज फिर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नोट होगा, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल में डू आई नो नोट ईट अ मैंगो, उसके बाद डज ही नोट ड्रॉ अ पिक्चर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें दोस्तों, जो जो भी वर्ब होगा वो वर्ब वन फॉर्म में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों डब्ल्यू ऑब्लिक एच फैमिली सेंटेंस। डब्ल्यू ऑब्लिक एच फैमिली सेंटेंस, तो इसका रूल होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स आएंगे, फिर डू ऑब्लिक डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देख लेते हैं हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन कौन होते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं, व्हाट, हु, होम, हूज, विच, व्हाई, वेयर, When, while, how, how many, how much, तो ये सारे words WH words कहलाते हैं। तो दोस्तों इन सारे words से जो भी sentence शुरू होगा उसको WH family sentence कहते हैं। जैसे example में देख लेते हैं, why do I write a letter, उसके बाद है where do you play football, how does he write a letter, यानी कि इसमें why, where, how,
ये सब डब्ल्यू और एच से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, इसीलिए इसको डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।